अरे यार ये क्या कह दिया, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपियर टू हैव अकर्ड इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक से ज्यादा, एक कोई आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पर एक से ज्यादा क्या चल रहे हैं, एक से ज्यादा क्या चल रहे हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। तो ये अडेप्टिव कन्वर्जेंस कैसे हो गया सर? ऐसा देखने को मिलता है हमको ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्या मैंने अभी आपसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अडेप्टिव रेडिएशन दोनों तरह के मैमल्स का देखने को मिलता है? कहा ना भाई, बोलता ही नहीं है कोई। अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स कहां? ऑस्ट्रेलिया में। और अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल कहां? ऑस्ट्रेलिया में। तो देखो क्या हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया, ये प्लेसेंटल मैमल्स एक जगह हैं और ये मार्सुपियल्स मैमल्स एक जगह हैं। ये प्लेसेंटल मैमल ने क्यों भाई आज का लेक्चर से क्यों लिंक नहीं हो पा रहा, पढ़ाई नहीं करी आपने? या तो ये प्लेसेंटल मैमल्स क्या शो कर रहे हैं? अडेप्टिव रेडिएशन। मार्सुपियल मैमल क्या शो कर रहे हैं? अडेप्टिव रेडिएशन। लेकिन हुआ क्या कि ये जानवर नंबर एक प्लेसेंटल मैमल्स का, ये जानवर नंबर एक मार्सुपियल मैमल्स का, ये दोनों आ गए कौन से हैबिटेट में? सेम हैबिटेट में। ये जानवर नंबर दो दोनों के कहां आ गए? सेम 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 विद इन ऑस्ट्रेलिया। दो अलग अलग लोग एक हैबिटेट में आ जाएंगे तो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा कि नहीं? यही तो बोला था, दो अलग अलग लोग एक जगह आ गए। अब यहां प्लेसेंटल मैमल्स ने जो एडेप्टिव रेडिएशन किया और जानवर भेजा, वो इस हैबिटेट वन में भेजा और इसी हैबिटेट वन में मार्सुपियल मैमल ने भी भेज दिया। तो दोनों जानवर एक हैबिटेट में आने की वजह से कैसे दिखेंगे? एक जैसे दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि हैबिटेट सेम हो गया। बात समझ में आया क्या? प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग इन टू वेराइटीज ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल। ईच, यहां से देखिए, ईच ऑफ विच अपियर्स टू बी सिमिलर टू अ कॉरस्पॉन्डिंग मार्सुपियल, सिमिलर टू कॉरस्पॉन्डिंग मार्सुपियल। ये प्लेसेंटल ने जानवर नंबर एक भेजा, ये मार्सुपियल ने जानवर नंबर एक भेजा, दोनों का हैबिटेट, ये दोनों जो नेल्स दिख रहे हैं, दोनों का हैबिटेट क्या हो गया? सेम। तो ये बना अडेप्टिव रेडिएशन से, ये बना अडेप्टिव रेडिएशन से, लेकिन ये दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और प्रोसेस को क्या बोल देंगे? अडेप्टिव कन्वर्जेंस। आसान है भाई? बिल्कुल। वापस समझ लो, ये देखो, याद है सभी को, इससे पहले हमने पढ़ा था, ये प्लेसेंटल मैमल्स ने अडेप्टिव रेडिएशन करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाए थे। ये मार्सुपियल मैमल्स ने अलग अलग टाइप के रेडिएशंस करके, अडेप्टिव रेडिएशन करके अलग अलग जानवर बनाए थे। अब हुआ क्या कि ये प्लेसेंटल का मोल और मार्सुपियल का मोल अलग अलग थे, लेकिन कैसे हैबिटेट में आ गए ये दोनों? सेम हैबिटेट में। तो जब दो अलग अलग लोग सेम हैबिटेट में आएंगे, अडेप्टिव कन्वर्जेंस। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो, मोल और इस वाले एंडिटर की बात करूं तो,
डाइवर्जेंट अडेप्टिव रेडिएशन। अरे है कि नहीं? अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो, इन दोनों की बात करूं तो अडेप्टिव रेडिएशन होमोलोगी, लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो, इन दोनों की बात करूं तो अडेप्टिव कन्वर्जेंस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालोगी। ये सब ऑस्ट्रेलिया में हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो अगर सिर्फ लिखा हो प्लेसेंटल मेमल्स क्या शो करते हैं, अडेप्टिव या डाइवर्जेंट, अडेप्टिव रेडिएशंस डाइवर्जेंट। लिखा हो मार्सुपियल मेमल्स, सिर्फ मार्सुपियल मेमल्स दिखाए, क्या क्या शो कर रहे हैं? बहुत शानदार। लेकिन लिखा है प्लेसेंटल मेमल्स एंड मार्सुपियल मेमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, बस इसमें एनालोगस होमोलोगस की बात नहीं करनी है, कंफ्यूज मत करो अपने आप, है ना। अब आप पूछ रहे होंगे सर हमें याद कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको फोटोज भी याद करने हैं, आपको नाम भी याद करने हैं। हाँ, धक्का लगा होगा सुन के, पर संभालिए अपने आप को, आपको वो एग्जांपल दे देगा फ्लाइंग स्क्वायरल फ्लाइंग फैलेंजर। समझ में आ गया? कन्वर्जेंट। वो आपको एग्जांपल दे देगा माउस और लेमूर, माउस और लेमूर अडेप्टिव रेडिएशन। क्या बात समझ में आई? चलें आगे। तो हमने दोनों तरीके की बात कर ली, होमोलोगी एनालोगी, उनसे रिलेटेड डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, और उनसे रिलेटेड अडेप्टिव डाइवर्जेंट अडेप्टिव रेडिएशन और अडेप्टिव कन्वर्जेंट। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए अब ये देखो ये क्या है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसे दे दिया आप लोगों को थोड़ा सा मजे लेने के लिए, क्या थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए आप, कोई दिक्कत नहीं। दो अलग अलग लोग एक हैबिटेट में आ रहे हैं तो बच्चों ये क्या होगा, अडेप्टिव कन्वर्जेंस होगा कि नहीं? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बस इतना कर दिया कि ये जो दोनों स्पीसीज वन और स्पीसीज टू जो आ रही है ना, ये स्पीसीज ए कह लो स्पीसीज बी कह लो, ये अगर आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, क्लोजली रिलेटेड, जैसे आप और चिंपैंजी क्लोजली रिलेटेड हैं, तो अगर इनका अडेप्टिव कन्वर्जेंस हो रहा है, इनका अडेप्टिव कन्वर्जेंस हो रहा है, तो इसको अब मैं क्या नाम दे दूंगा, पैरेलल इवोल्यूशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बहुत शानदार। इससे क्वेश्चन नहीं आते जनरली आपके, है ना, तो अपने को बिल्कुल अडेप्टिव कन्वर्जेंस में अगर जिनका कन्वर्जेंस हो रहा है वो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हैं तो पैरेलल इवोल्यूशन, अदरवाइज दैट इज अडेप्टिव कन्वर्जेंस। सिंपल, मेक इट सिंपल, ठीक? ओ खरबूजो, समझ में आया? अब तो कुछ नहीं चैप्टर में, अब तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन आप सब जानते हैं जो हमारे में जनरेशन टू जनरेशन प्रेजेंट होंगे, कभी गायब नहीं होंगे, कभी गायब नहीं होंगे, लेकिन इनका फंक्शन हमारी बॉडी में नहीं रहेगा, डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन, इन सबको हम क्या कहेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन, कोई यूज नहीं है लेकिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे कि आपके अंदर मिलने वाली थर्ड आईलिड, नेक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन, प्लीका सेमिलुनरिस, इसे
कहा जाता है। थर्ड आईलिड ये हमारे अंदर काम की नहीं होती, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें इस तरीके से शटर के फॉर्म में लग जाती है, ट्रांसपेरेंट होती है, चश्मा पहन देती दोनों आंखें ताकि पानी टकराए ना आंखों पर। क्लियर? दूसरा, मसल्स ऑफ पिन्ना, मैं फिर दोहरा रहा हूं, नॉट पिन्ना, पिन्ना इज नॉट वेस्टिजियल, बट उसके अंदर मिलने वाली मसल्स, ऑरिक्यूलर मसल्स कैसी हैं? बोलता ही नहीं कोई, वो वेस्टिजियल है। हम अपने कान नहीं हिला सकते, हम अपने कान नहीं हिला सकते, लेकिन आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं वो अपने कान को इस तरीके से हिला सकते हैं, अपने पिन्ना को हिला सकते हैं, लेकिन हम अपने कान को नहीं हिला सकते क्योंकि हमारे अंदर मिलने वाली जो मसल्स हैं वो वेस्टिजियल है, नॉट पिन्ना, इट इज मसल्स ऑफ पिन्ना। ये तो आप सब जानते हैं ना, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सीकम, ये कैसा है? बिल्कुल कॉकिक्स, लास्ट पार्ट ऑफ वर्टिबल कॉलम, हमारे अंदर रिड्यूस हो जाता है, कुछ नहीं बनाता हमारे अंदर, ये भी कैसा है? वेस्टिजियल। दोनों चीजें, कैनाइन टीथ और विजडम टीथ, कैनाइन टीथ और विजडम टीथ हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, हाँ है, लेकिन कोई विशेष काम ये नहीं करते, इसलिए ये भी कैसे हैं? वेस्टिजियल है। ध्यान रखना, मैंने सिर्फ कैनाइन टीथ बोला है, सिर्फ कैनाइन टीथ और इसके आगे कुछ नहीं लगाया। बॉडी पे हेयर्स का होना और निप्पल्स का होना मेल में, हमारी बॉडी के ऊपर हेयर्स क्या कर रहे हैं, क्यों हैं ये हेयर्स, ये बताते हैं कि आपके पूर्वजों के पास कभी बहुत ज्यादा थे, आज आपके पास भी हैं। मेल्स के पास निप्पल का होना, निप्पल्स का होना क्या दर्शाता है कि भाई ये कभी ना कभी एक ऐसे ओरिजिन से आए हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म से आए हैं जिनमें कभी मेल की भी मेमोरी ग्लैंड एक्टिव थी, मेल की भी मेमोरी ग्लैंड एक्टिव थी। बात आई कि नहीं समझ में? हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है एक्चुअली आज, इसलिए आपको बैकग्राउंड भी थोड़ा चेंज दिख रहा होगा, है ना? यहां तक बात समझ में आई सबको? बोलो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेड मसल्स ऑफ एब्डोमिन। आपने देखा होगा ना आजकल फैशन में वो बिस्कुट बना लेते हैं ऐसे पेट के ऊपर, सिक्स पैक एब्स जिनको बोलते हैं ना, एब्स आ गए उसके, देखा है? वो और कुछ नहीं होता, वो बिस्कुट जो होते हैं वो आपकी एब्डोमिनल की मसल्स हैं जो वेस्टिजियल हैं, आप उनके ऊपर वर्कआउट कर उनको एक शेप दे सकते हो, उसी को आप सिक्स पैक एब्स या एब्स बोलते हो। ये क्या कर रही है सर हमारे अंदर जब कोई काम की नहीं है तो? अरे ये चीज हमको शो कर रही है क्या कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर पेट के बल रेंग के चलते होंगे, तभी तो उनके अंदर मसल्स थी, वो काम करती थी, हमारे अंदर काम नहीं करती लेकिन प्रेजेंट है। बात समझ में आई? अरे ये हम सब क्या पढ़ रहे हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंसेस, यानी कि हम उनसे आए हैं क्या, यही तो चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ या ना? चलो अब ये ध्यान से समझना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ऐसी कोई चीज जो आपके अंदर रेगुलर प्रेजेंट है, जनरेशन टू जनरेशन प्रेजेंट है लेकिन काम की नहीं है, उसे क्या कहेंगे? नहीं, मेल फीमेल दोनों में होते हैं बेटा वो बिस्किट, सिक्स पैक एब्स, उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहेंगे, है ना? लेकिन कभी कोई ऐसा ऑर्गन जो हमारे में से गायब हो गया, पहले कभी पूर्वज में मिलता था, अचानक अगर वो आ जाए, सडन वो किसी इंडिविजुअल में अपीयर हो जाए, तो उस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे हम? एटाविज्म या रिवर्जन। बिल्कुल, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी में टेल का आना, हमारे अंदर से गायब हो चुकी है लेकिन
लेकिन कभी अगर अचानक आ गई तो ये एग्जांपल होगा किसका, एटाविज्म का। और ये भी क्या शो कर रहा है कि हमारा इवोल्यूशन किसी ऐसे एंसेस्टर से हुआ है जो टेल रखते थे। बात समझ में आई? इससे सिर्फ एग्जांपल पूछेगा आपसे और कुछ नहीं पूछेगा कि टेल इन न्यूबॉर्न बेबी इज अ वेस्टिजियल और एटाविज्म। हाँ हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ा था कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ इज अ वेस्टिजियल ऑर्गेन, लेकिन अगर वो किसी में एक्स्ट्रा लॉन्ग और पॉइंटेड हो जाए तब वो क्या बन जाएंगे, एटाविज्म। बहुत सारों के होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राक्षस होते हैं ऐसे लोग, आपकी दीदी के हैं, भैया के हैं, बिल्कुल आम बात है ना। तो पॉइंटेड कैनाइन का हो जाना, कैनाइन का हो जाना इज अ वेस्टिजियल थिंग, बट अगर एक्स्ट्रा पॉइंटेड हो गए तो इट इज अ एटाविज्म। सर्वाइकल फिस्टुला का मिलना, हम सबकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारी एम्ब्रियो के पास गिल स्लिट्स होते हैं। थोड़े से गिल स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स ये बता रहे हैं कि हमारा ओरिजिन, हमारा एवोल्यूशन किसी ऐसे एनिमल से हुआ है जो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ रखता था और गिल से रेस्पिरेशन करता था। बात समझ में आई? कई बार हमारे जो है बच्चे जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं उनमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन में गिल स्लिट होते हैं लेकिन वो पैदा होने से पहले खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार वो अगर रह गए तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वाइकल फिस्टुला या फेरिजल गिल स्लिट्स। बिल्कुल सब जीन कंट्रोल कर रहे हैं बेटा, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय जीन। ये देखो भालू, बॉडी हेयर्स का हो जाना इज अ वेस्टिजियल थिंग, बट लॉन्ग थिक एंड एक्स्ट्रा बॉडी हेयर्स का हो जाना दैट इज एटाविज्म। ये दिखाता है कि हमारा कहीं ना कहीं इवोल्यूशन ऐसे ऑर्गेनिज्म से हुआ है जो पूरी बॉडी पर बहुत ज्यादा थिक हेयर्स रखते थे। क्या बात समझ में आई अनिल कपूर? चलिए है ना, आगे बढ़ते हैं। बाल दिवस अरे अभिनव बाबा कहां से हो आप? अभिनव बोल रहा है बाल दिवस इनके उपलक्ष में रखा है। चलो छत्तीसगढ़, ओके। एक्स्ट्रा निपल इन फीमेल्स, इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल देयर आर टू निपल्स, बट हमारे एंसेस्टर फीमेल्स में दो से ज्यादा निपल्स हुआ करती थी। अगर किसी फीमेल में ऐसा हो जाए इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एटाविज्म। किसी में ये पिन्ना की मसल काम करने लग जाए तो ये भी क्या होगा, फंक्शनल ऑरिक्यूलर मसल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एटाविज्म। बड़े होते हैं तो होते हैं बेटा, किसी की नाक बड़ी होती है, किसी के कान बड़े होते हैं, तो ये तो नॉर्मल चीज है ना। हाँ एटाविज्म। चलिए भैया, ये तो पिन्ना है, ये वेस्टिजियल ऑर्गेन नहीं है, इसके अंदर जो मसल्स हैं दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गेन। अगर वो फंक्शनल हो जाए that it is known as atavism. क्या बात समझ में आ गई? ये नॉर्मल है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आमिर खान के पिन्ना नहीं देखे क्या? आमिर खान के एक्स्ट्रा बड़े हैं,
चलो नेक्स्ट प्रूफ आएगा कनेक्टिंग लिंक से. कनेक्टिंग लिंक क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ना, दो एक ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग ग्रुप्स की क्या रखता हो, कैरेक्टर्स रखता हो, दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर रखता हो. जैसे कि याद करो, रेप्टाइल से ही एवीज बने थे. एवीज हायर ग्रुप है और रेप्टाइल लोअर ग्रुप है. तो इन दोनों के बीच में एक आय था, याद हो तो आप लोगों को याद करो, आर्कियोप्टेरिक्स. उसके पास रेप्टाइल के भी कैरेक्टर थे, एविस के भी कैरेक्टर थे. तो ये क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक. लेकिन कनेक्टिंग लिंक जो दुनिया में आज नहीं मिलती, दैट इज मिसिंग लिंक. क्लियर है ना. लेकिन आज बहुत सारी कनेक्टिंग लिंक हमें मिल रही है, तो उससे हमें पता क्या चल रहा है. जिस आर्कियोप्टेरिक्स से हमें क्या पता चला, ये तो पता चला कि जो एविस का ओरिजिन हुआ है वो रेप्टाइल से हुआ है कि नहीं. आप याद करो, एक ऐसी फिश थी सिलाकेंथ जो पानी से बाहर आई थी, और उसने ही आगे जाके एम्फीबियंस को बनाया था. तो जब ये बाहर आई थी तो ये तो फिश थी, ये तो पूरी तरीके से फिश थी, ये एम्फीबियन थे. बीच में एक आई लंग फिश. कौन सी फिश आई, लंग फिश. उसके इसके कैरेक्टर भी थे, इसके कैरेक्टर भी थे. तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे दिए हुए हैं. जनरली तो आर्कियोप्टेरिक्स को ही पूछ सकता है वो नीट में, बाकी एक बार ये सब पढ़ जरूर लेना, ये आपके सब काम में आते हैं एनिमल किंगडम में. ये तो कुछ तो आपको यूग्लिना और वायरस तो याद होने चाहिए. प्रोटेरोस्पोंजिया, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा नाम से लग रहा है. बेलेनोग्लोसिस भी आपको याद होगा, काइमीरा. ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, ये विशेष रूप से आपको याद. ये आगे देखो, प्रोटेप्टेरस, लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबिया. सिमोरिया आ गया, कि किस तरह एम्फीबिया ने रेप्टाइल्स को बनाया. सिमोरिया के बाद आर्कियोप्टेरिक्स आ गया, किस तरह रेप्टाइल ने एविस को बनाया. फिर आ गया कि रेप्टाइल से किस तरीके से मैमस बने. और ये दोनों कैसी लिंक है, मिसिंग लिंक है ना, ये आज दुनिया में नहीं मिलती. क्लियर है ना भाई, याद करने की चीजें हैं. देखो आगे आता है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे. आपके अंदर जो प्रोटीन है वही दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन है. आपके अंदर जो एंजाइम डाइजेशन कर रहा है वही किसी और के अंदर डाइजेशन कर रहा है. आपके अंदर जो जीन फंक्शन कर रहे हैं वही किसी और जीन के अंदर कर रहे, ऑर्गेनिज्म के अंदर कर रहे हैं. आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ी है ना, क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ी है? तो उसमें आपने यूनिवर्सल कहा होगा. किसको किसको कहा था, जेनेटिक कोड को, है ना. तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन है, हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन है. बात समझ में आई? क्लियर. उसी जैसे आप प्रोटोप्लाज्म की बात करोगे, सबके अंदर प्रोटोप्लाज्म में वही मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मैन, यही मिल. समझ में आया कि नहीं? तो सबसे सही कौन था, वॉन बेयर था. मूलर ने जो थ्योरी दी उसको एक्सप्लेन किसने किया, हेकल ने. और क्या नाम दे दिया, बायोजेनेटिक लॉ. क्लियर. इसको एक तरीके से और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. ये देखिए, ये हेकल वाले बात है, ये वॉन बेयर वाली बात है. ये फिश का एग बड़ा होके एम्ब्रियो बना और एडल्ट होके फिश बन गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जब एम्फीबियंस का एग बनेगा और उसका जब एम्ब्रियो बनेगा ना एम्फीबिया का, देखो वो किसकी तरह दिखा रखा है इसने, एडल्ट फिश के जैसे. और फिर वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्रॉग में. फिर इसने कहा क्या कि बर्ड्स का बनेगा ना, तो पहले वो एडल्ट फिश के जैसा दिखेगा, फिर एडल्ट फ्रॉग के जैसा दिखेगा, फिर बर्ड्स के जैसा दिखेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता हेकल साहब. वॉन बियर पहले ही बता चुके थे कि फिश का एम्ब्रियो हो सकता है फ्रॉग के एम्ब्रियो जैसे, और फ्रॉग का एम्ब्रियो
बर्ड केम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशंस पे सिमिलरिटीज मिल सकती है हैकल साहब, लेकिन आपने तो कार्यक्रम ही चेंज कर दिया कि रेप्टाइल का बच्चा पहले मछली जैसा दिखेगा, फिर फ्रॉग जैसा दिखेगा, और फिर खुद रेप्टाइल जैसा दिखेगा। ऐसा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर हो गया सभी को? अच्छा ये लाइन पढ़ो, ये समझ में आ गया क्या सभी को? ये लाइन पढ़िएगा जरा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हैकल ने जो लो बताया बनाया उसको उसको वॉन बियर लागू करने से पहले ही डिसअप्रूव कर चुका था? कोई चीज इन्वेंट ही नहीं हुई उससे पहले डिसअप्रूव हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है सर। सही चीज कोई बता के चला गया, अब तुम गलत बता रहे हो तो सही तो पहले ही बता गई। तुम गलत बता रहे हो तो तुम तो पहले ही गलत साबित हो चुके हो। नहीं पढ़ा था और क्या, साइंटिस्ट लोग जलते बहुत हैं एक दूसरे से। अगला आता है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, ये ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा। तीन सवाल आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता। आप जो आज सात कॉन्टिनेंट देखते हैं ना, जो सात कॉन्टिनेंट आप देखते हैं, ये कभी ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक ही हुआ करते थे और ये चारों तरफ पानी हुआ करता था और ये सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, ऐसी को पेंजिया कहा जाता था। फिर इसमें लगातार ऐसे दरारें पड़ती गई, इनमें टुकड़े होते गए, मेनलैंड बढ़ता गया और जो टुकड़े होते गए इस प्रोसेस को हमने नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि कॉन्टिनेंट सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो पहले तो सब एक थे, सब मेनलैंड। अब जो पढ़ा रहा हूं उससे जो मेनलैंड था वो एक था, बीच में कोई टूट के अलग हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया अलग चला गया, फिर कोई अलग चला गया, बीच में कौन आ गया? पानी आ गया, आइसोलेशन हो गया सबके बीच में। इसी तरीके से जो आपका इंडिया था ना, वो पहले पार्ट हुआ करता था अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, फिर ये यहां से टूटकर किधर मूव हो गया, एशिया में घुस गया, और जब ये एशिया में घुसा तो यहां पर एक पहाड़ बना जिसको हम द ग्रेट हिमालय कहते हैं। बात आई क्या समझ में बच्चा? इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर चीजें हुई हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए हैं। अब क्या याद करना है? अब लेकिन आज की जो दुनिया देख रहे हैं वो तो इस तरह की है ना, आज की जो दुनिया देख रहे हैं वो तो इस तरह की है कि नहीं? बिल्कुल। तो एक तो सवाल ये आता है कि इनको ऐसे बांटा किसने? ए आर वेलेस, अल्फ्रेड रसेल वेलेस, ये साइंटिस्ट था जिसने आज के पूरे मॉडर्न वर्ल्ड को सिक्स रिलिम्स में, इसमें बांट दिया सिक्स रिलिम्स में, और अलग अलग कॉन्टिनेंट को अलग अलग रिलिम्स का नाम दिया। जैसे नॉर्थ अमेरिका को क्या बोल दिया? नियार्क्टिक। साउथ अमेरिका को क्या बोल दिया? नियोट्रॉपिकल। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियन बोल दिया, यूरोप को पैलियाटिक बोल दिया, एशिया को इथोपियन बोल दिया, और हमारा इंडिया आज कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में, है ना? और इसने एशिया को क्या नाम दिया? ओरिएंटल। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि इसने सिक्स रिलियंस में बांटा, अल्फ्रेड वेलेस ने। दूसरा, इंडिया कौन से रियल्स में आता है? तो आपको नाम देना है ओरिएंटल। हमारे यहाँ एक पंखा फेमस है, ओरिएंट फैंस, दे कोने कोने में हवा। कहाँ का फेमस है ओरिएंट फैन? इंडिया का। तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में हुआ, कौन से रिलिम में हुआ? ओरिएंटल। याद हो जाएगा, ये भी याद नहीं करना। जैसे इंडिया देखो कौन सा रिलिम्स, ओरिएंट। क्लियर? ओरिएंट फैन का नाम सुना होगा ना, दे कोने कोने में हवा। समझ गए बच्चों? अब इन्होंने कुछ सबूत दिए कैसे,
कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ पाउज मैमल ही सर्वाइव हो पाए क्योंकि ये अलग हो गया था. अगर ये मेनलैंड से जुड़ा होता तो यहाँ पर भी मेटायूथीरियन पहुंच जाते चल के और इनको खत्म कर देते. ऐसा ही हुआ किसके साथ बेचारे, साउथ अमेरिका के साथ. इस साउथ अमेरिका में हॉर्स, हिप्पोपोटेमस, बेयर, रैबिट लाइक मैमल्स प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे ही ये अपने आप से जुड़ा किससे, इस नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा, तो इस नॉर्थ अमेरिका के कार्निवोरस एनिमल्स यहाँ आए और इन सबको खा गए. इसलिए तो लिखा है वर प्रेजेंट, आज प्रेजेंट नहीं होता. तो इस तरीके की कोई चीजें, घटनाएं हमारी धरती पे हुई है, आज भी हो रही है. क्या पता इंडिया के कभी दो टुकड़े हो जाए, क्या पता हम कभी और चाइना में अपने आप ही घुस जाए. चाइना तो बेचारा बातें करता रहेगा, हम कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करके उधर घुस जाए, हो सकता है. बिल्कुल समझ पा रहे हो, हम हो सकता है और ज्यादा घुस रहे हो, हिमालय और ऊंचा होता जाए. तो इस तरह की चीजें होती रही हैं और होती रहेंगी. क्या आपको बात समझ, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, हाँ वहां पे भी पहुंच सकते हैं, उस इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. जब बात समझ में आई, चलो तो यहां आपकी इवोल्यूशन का दूसरा चैप्टर पूरा होता है, दूसरी कहानी पूरी होती है. पहले हमने देखा केमिकल इवोल्यूशन, फिर हमने देखा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, फिर उसमें जो सेल बनी थी उसी ने आज की सारी डाइवर्सिटी बनाई है. इस इवोल्यूशन को हमने बोला था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करके नहीं बता सकते, तो हमने क्या दिए थे भैया, एविडेंसेस दिए थे. अब हमने इतने एविडेंसेस दिए हैं कि समझ में आ गया कि भैया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तो धरती पे हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तो धरती पे हुआ है. अब कहानी आएगी तीसरे नंबर की कि अगर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, अगला क्वेश्चन है हाउ, कैसे हुआ है. तो एविडेंसेस तो दे दिए कि हुआ है, कुछ तो बताओ भाई कैसे एक स्पीसी से दूसरी स्पीसी आती है. तो उसको हम पढ़ते हैं किसमें, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में. क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया. मैं एक दो मिनट का ब्रेक ले, इवोल्यूशन करके नहीं नहीं थ्योरी तो दो, प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर थ्योरी तो दो भैया, है ना. चलो तो जो सबसे पहली लॉजिकल लेकिन फेल्ड जो थ्योरी आई वो दी थी इन लेमार्क साहब ने. इसने दी थी लेमार्क साहब ने. इनका एक बहुत छोटा सा नाम था, ये जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क. जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ये रहने वाले थे फ्रांस के, बहुत खूबसूरत शहर है, देश है फ्रांस. सुना होगा आपने, गए हो कभी, हैं? नहीं गए, गरीबों जाया करो. इफेक्ट आए जैसे आज आप जहां रह रहे हैं, अगर वहां सर्दियां बढ़ेंगी तो आप अपने आप में कुछ चेंज करेंगे, आप अपने एसी को बंद करके हीटर पे शिफ्ट हो जाएंगे, आप कॉटन के कपड़े ना पहनकर उलन के कपड़े, उलन या उल के कपड़े पहनेंगे. अरे है कि नहीं. तो जैसा जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा इफेक्ट इंडिविजुअल पर आएगा. तो मान लीजिए आपने एनवायरनमेंट जो चेंज हुआ है तो आपकी जरूरतें बदल गई कि नहीं बदल गई, तो डार्विन साहब ने क्या कहा कि सर्दियां पड़ जाएंगी तो इंसान अपना पूरा शरीर भालू की तरह बाल से ढक लेंगे जिससे उनको ठंड नहीं लगेगी. ऐसा इन्होंने कहा क्योंकि इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट पर, एनवायरनमेंट चेंज होगा तो नई नीड्स आएंगी, नई डिजायर्स आएंगी, नई नीड्स आएंगी, नई डिजायर आएंगी. और जब नए डिजायर को पूरा कैसे करेगा, ये पूरा कैसे करेगा, इंटरनल वाइटल फोर्स की हेल्प से.
कि कोई भी नई नीड पड़ेगी मेरे पास इंटरनल वाइटल फोर्स है, वो मेरे लिए बना देंगे, ठीक है सब मान लिया। तीसरी चीज उन्होंने दी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि अगर कोई ऑर्गन का आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज्यादा डेवलप हो जाना चाहिए, और जो ऑर्गन बिल्कुल नहीं ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो खत्म हो जाना चाहिए। इस हिसाब से तो आप सबके ब्रेन अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे। सॉरी डोंट ऑफेंड प्लीज, है ना, समझे ना कहने का मतलब, कि हम जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज कर रहे हैं वो ज्यादा डेवलप होगा, जिसको नहीं कर रहे हैं वो, सॉरी अभिनीत जी, अभिनव जी को बुरा लग गया, गजब बेइज्जती है। चलो तो ऐसा भी नहीं होता है, ये इन्होंने कहा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब आ रही इनकी थ्योरी, ये सब किसमें होगा, ये सब चीजें किसमें होगी, इंटरनल वाइटल फोर्स, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यूज, ये किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही कि नहीं हो रही, किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। तो जैसे मैं पैदा हुआ, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, उसके पास अपने इंटरनल वाइटल फोर्स है, उसका अपना एनवायरनमेंट है, उसकी अपनी नीड्स है, तो वो अपने खुद के क्या करेगा, कुछ न्यू कैरेक्टर डेवलप करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्वायर्ड कैरेक्टर। और अकॉर्डिंग टू द डार्विन ये कैरेक्टर कैसे हैं, इनहेरिटेंस हैं, ये आगे की जनरेशन में जाएंगे। मान लीजिए मैं पैदा हुआ, मैंने थोड़े से वेरिएशन ले आया, एक्वायर्ड कर लिए और अपने पास रख लिए, अब मैं ये वेरिएशन किसको दे दूंगा, अपने बच्चे को, फिर वो मेरे वेरिएशन तो उसके पास है ही, मेरे वेरिएशन तो उसके पास है ही, लेकिन वो खुद के भी डेवलप करेगा, फिर सेम वो उसके बच्चे के साथ, सेम वो उसके बच्चे के साथ, तो इस तरीके से बहुत बहुत लंबे टाइम तक ओवर जनरेशन कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, अक्यूमुलेशन। और जब इतने कैरेक्टर अक्यूमुलेट हो जाएंगे कि एक नई स्पीसीज बन सके, तो एक नई स्पीसीज बन जाएगी, ऐसा किसने कहा, लैमार्क। बात समझ में आई कि हम सबका अपना वाइटल फोर्स है, हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक्वायर्ड करते हैं, और वो एक्वायर्ड की हुई चीजें हम अपनी जनरेशन को दे देंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा होता तो मेरे बच्चे को जूलॉजी आनी चाहिए, है कि नहीं, ऐसा होता तो पहलवान का बच्चा पहलवान पैदा, क्योंकि उसने पूरे जीवन काल में वो कैरेक्टर एक्वायर्ड किए हैं, वो कैरेक्टर एक्वायर्ड किए हैं, और वो कैरेक्टर एक्वायर्ड होके उसके बच्चे में जाने चाहिए थे, है कि नहीं, ऐसा डार्विन ने बोला। तो डार्विन के कितने कंसेप्ट हो गए, चार। पहला कंसेप्ट इंटरनल वाइटल फोर्स, दूसरा इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, तीसरा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन, और चौथा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड। ये चार पॉइंट हो गए लैमार्क, ये चार पॉइंट हो गए लैमार्क, गॉट इट, ए खरबूजो, समझ में आया कि नहीं। अब इनको समझाने के लिए उसने एग्जाम्पल भी दी, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे ना, चलो समझते हैं। इसने क्या कहा कि शुरू में जो जिराफ था ना दुनिया में, वो एकदम गधे जैसा था, दिमाग में नहीं, अरे घास खाता था, साइज किसकी तरह था, गधे की जैसे, क्योंकि घास अच्छी थी। अब एनवायरमेंट ने चेंज किया, घास खत्म हो गई, सिर्फ कौन बच गए, लंबे लंबे पेड़ बच गए। अब उसकी गर्दन तो छोटी बेचारे की, एनवायरमेंट चेंज हो गया, नीड भी क्या हो गई, चेंज। जिराफ के पास क्या है, इंटरनल वाइटल फोर्स, वो उसका इस्तेमाल करेगा और अपनी आगे की टांगे और गर्दन को लंबी करेगा, ऐसा लैमार्क ने कहा। और धीरे धीरे करता करता करता, थोड़ी इसने करी, थोड़ी इसने करी, थोड़ी इसने करी, और ऐसा आज हम जो जिराफ देख रहे हैं वो लॉन्ग नेक वाला और लॉन्ग फोर लिंब वाला जिराफ आ रहा है, ऐसा किसने कहा, लैमार्क ने। उसके बाद इसने एग्जाम्पल और दिया, वेब्ड टोज इन एक्वेटिक बर्ड्स, जो एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं उनमें टोज के बीच में इस तरीके से वेब्ड मिलता है, क्या मिलती है, वेब मिलती है, जिसकी वजह से ये स्विम कर पाती है, ये भी इन्होंने डेवलप किया। इन्होंने कहा कि जो सांप होते हैं इनके पास कभी ना कभी क्या मिलते थे, पैर, लेकिन जब ये बिल में जाते थे, जब ये बिल में जाते थे तो इनके पैर इनको दिक्कत देते थे, तो इन्होंने पैरों का यूज करना बंद कर दिया, इन्होंने पैरों का यूज करना बंद कर दिया, और धीरे धीरे वो पैर इनके
लाइफ से क्या हो गए, गायब, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ऐसा इसने कहा। माना 1800 ईस्वी की बात है, क्या ध्यान देना किसी को, लेकिन फिर इसकी इस पे नजर पड़ी इस वीजमान की। बहुत खतरनाक साइंटिस्ट था ये वीजमान। इसने कहा, ओ भैया क्या कह रहे हो लैमार्क भैया, क्या आपने कहा कि जिस ऑर्गन का यूज नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा? लो मैंने एक चूहा लिया, एक चूहिया ली, दोनों की पूंछ काट दी, बच्चे कराए, उनमें तो क्या थी, पूंछ थी। फिर दोबारा मैंने इन्हीं चूहों की पूंछ काटी, फिर बच्चे कराए, पूंछ थी। ऐसा मैंने कब तक किया, 22 जनरेशन तक पूंछ काटता गया मैं एक ही चूहे की, उसके बच्चों की लगातार, लेकिन 23वीं जनरेशन भी विद टेल पैदा हुई। लैमार्क तुम तो कह रहे थे कि जो ऑर्गन यूज नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। कहां हुआ खत्म, 22 पीढ़ियां तबाह कर दी मैंने बेचारे चूहों की, अभी तक तो नहीं मिला। फिर इसने डार्विन को इसने लैमार्क को समझाया थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लस। क्या समझाया, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लस। इसने कहा कि डार्विन लैमार्क मेरी बात सुन बेटा, इधर आ, कि हर इंडिविजुअल के अंदर दो तरह के प्रोटोप्लास्ट हैं, एक सोमेटिक सेल्स वाला जिसको हम कहते हैं सोमेटोप्लाज्म, और एक है जर्म सेल वाला जिसको हम बोलते हैं जर्मोप्लास्ट। ये जर्म सेली क्या बनाती हैं, गैमेट्स बनाती हैं, ओवा एंड स्पर्म बनाती हैं, और ये सोमेटिक सेल्स गैमेट नहीं बनाती। जैसे कि आपकी मसल्स सोमेटिक सेल्स, आपके न्यूरॉन सोमेटिक सेल्स, आपकी बॉडी की जर्म सेल के अलावा जितनी भी सेल हैं, स्किन की सेल सोमेटिक सेल्स, सब सेल्स कैसी हैं, सोमेटिक। तो मैं आपको बता दूं लैमार्क साहब कि जो आप आगे जाने की बात कह रहे हो ना कि एक्वायर्ड कैरेक्टर आगे जाएंगे, एक्वायर्ड कैरेक्टर आगे जाएंगे, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो चेंज जर्म प्लाज्म में हुए हो। लेकिन आप जो भी चेंजेस बता रहे हैं ना, वो सब कहाँ हो रहे हैं, बॉडी बनाना सोमेटिक सेल्स में, दिमाग चलाना सोमेटिक सेल्स में, और सोमेटिक सेल्स में हुए चेंज हेरिटेबल नहीं होते। हाँ, लेकिन अगर वो चेंज जर्म सेल में होते हैं तो फिर कोई भी चेंज हो चाहे वो हेरिटेबल होगा। तो जिराफ की गर्दन का लंबी होना इज नॉट अ जर्मिनल और जर्म प्लाज्म के अंदर चेंज होना, इट इज अ सोमेटिक चेंज, इट इज अ सोमेटिक चेंज। अरे कहाँ हो गए, सो गए क्या? बोलो क्लियर है ना बच्चों, ये तो आपने पढ़ा भी होगा ना जेनेटिक्स में, जर्म प्लाज्म में हुए चेंजेस ही आगे जाते हैं, जो नहीं जाता वो सोमेटिक सेल में है। और डार्विन के अकॉर्डिंग, सॉरी लैमार्क ने क्या कह रहा था कि सोमेटिक सेल्स वाले भी आगे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दूसरा, भारतीय महिलाएं कई पीढ़ियों से अपने नाक और कान को छिदवाती आई हैं, पियर्सिंग करवाती आई, लेकिन आज भी जो बच्ची पैदा हो रही है, जो लड़की पैदा हो रही है, वो नॉर्मल नाक और नॉर्मल कान के साथ हो रही है, क्योंकि ये चेंज लैमार्क साहब सोमेटिक में हो रहे हैं। जब तक ये चेंज जर्मिनल में नहीं होंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा ही चाइना में क्या होता है कि छोटा पैर होता है ना, छोटा पैर लड़की का, वो शुभ माना जाता है, वो शुभ माना जाता है। तो वो बचपन से ही उस बच्ची को हार्ड लेदर के या मेटल के शूज पहना देते हैं ताकि इसका पैर छोटा रहे। लेकिन आज भी जो बच्चियां पैदा हो रही हैं वो नॉर्मल फिट के साथ हो रही हैं। अब तक तो पैर छोटा हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट है डार्विनिज्म, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए चीजें अलग हो जाती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए चीजें अलग हो जाती है, उनके अंदर तो चलता ही असेक्सुअल है, तो उनके अंदर तो म्यूटेशन करेगा जो करेगा, आगे पढ़ेंगे। हाँ, हर बच्चा यूसेन बोल्ट होता, उस यूसेन बोल्ट का बच्चा, तो ऐसा नहीं होता। सोमेटिक सेल में चेंज हुआ, इनहेरिटेंस नहीं किया था। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली आप सबको, अच्छे से मनाइएगा, खूब फटाके फोड़ना, लेकिन सेफ के साथ फोड़ना, सेफ्टी के साथ फोड़ना, सिंगल पीस घर लौटना है ना।
थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली। वैसे हो सकता है अपनी शायद एक क्लास और आएगी दिवाली से पहले, है ना। चलो मिठाई भिजवा देना, है ना, एड्रेस दे दूंगा मैं।